जैसा कोई नहीं। हम ज्यादातर आपको न्यूज देते हैं कि किस स्टार की कौन सी फिल्म रिलीज हुई, वो किस कंट्रोवर्सी में फंसा, वो कहाँ स्टेज शो कर रहा है या वो कौन सी फिल्म कर रहा है, वगैरह वगैरह। पर ऐसे बहुत कम मौके मिलते हैं जहां हम आपको इन सुपरस्टार की कुछ ऐसी बातें बता सके जो आपके दिल को छू जाए। और आज ऐसे ही मेगा स्टार पवन सिंह के बारे में हम आपको बातें बताने वाले हैं जो आपका दिल छू लेगी। अगर आप पवन के फैन हैं तो आपको गर्व महसूस होगा कि आप पवन के फैन हैं। इन दिनों रांची में पवन सिंह अपनी फिल्म राजा की शूटिंग कर रहे हैं। तभी उन्होंने तय किया कि भोजपुरी फिल्मों के विकास के लिए वो रांची के मुख्यमंत्री रघुवर दास से मिलेंगे, और वो मिलने भी पहुंचे। लेकिन जब वहां से वो लौट रहे थे तभी उनकी नजर एक विकलांग गृह पर पड़ी जहां कई हैंडीकैप लोग रहते हैं। पवन सिंह को किसी ने बताया कि जब से इन लोगों को ये पता चला है कि आप मुख्यमंत्री जी से मिलने आए हैं, तब से ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं। पवन ने बस इतनी सी बात सुनी थी कि अपनी गाड़ी तुरंत रोककर इन लोगों से मिलने पहुंच गए और इनके साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया। और फिर अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए वो शूटिंग स्पॉट पे रवाना हो गए। ऐसे ही पवन सिंह सभी के दिलों के राजा नहीं है। पवन सिंह की दरिया दिली के किस्से कई बार मीडिया में आ चुके हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।